नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए दिनांक 26 जनवरी से 1 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा, यानी ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये जो राशिफल है वो चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है और आपकी राशि स्थान से चंद्रमा का गोचर 26 जनवरी को आपके सेकेंड हाउस में रहेगा। सेकेंड हाउस में रहने से परिवार के साथ आपको बहुत लगाव फील होगा, घर में काफी अच्छा माहौल रहेगा, सुकून भरा माहौल रहेगा। साथ ही आप अपने परिवार पर बहुत ज्यादा फोकस इस समय में करेंगे। परिवार वालों की किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको परिवार वालों का भी पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। आपकी वाणी में काफी अच्छी मधुरता हो सकती है और घर में माहौल अच्छा रहने से आपको मानसिक शांति जरूर रहेगी। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। 26, 27 और 28 को आप ये समय एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद आपके चंद्रमा की स्थिति थर्ड हाउस में रहेगी, मीन राशि में। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति होने से आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन काफी मधुर होंगे। आपका जो पड़ोसी है, पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, पड़ोसियों का आपको सहयोग मिलेगा। साथ में आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस भी इस समय में जरूर करेंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ रहेगा। कहीं लंबी यात्रा या कोई छोटी यात्रा का योग भी आपका इस समय में बन सकता है, जो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। भाग्य का सपोर्ट मिलने से इन दोनों दिनों में 29 और 30 जनवरी को आपके पहले से रुके हुए कोई काम है वो पूर्ण होंगे और बहुत जल्दी ही आपके पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद 31 जनवरी और 1 फरवरी की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में रहेगी, आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में ये चंद्रमा की स्थिति होने से आपको माता जी के साथ काफी अच्छा लगाव फील होगा, आपका उनसे रिश्ता काफी स्नेहपूर्ण हो जाएगा और आप घर में काफी अच्छा सुकून फील करेंगे। जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिल रहा था उनको थोड़ा जॉब पर फोकस रहेगा, अपने काम पर फोकस करेंगे, उतना ही इन दोनों दिनों में आपको फायदा मिलेगा। आपके बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। साथ में अगर अभी तक आपको सही प्रकार से काम नहीं मिल रहा था या आपको सराहना नहीं मिल रही थी तो अब वो दो दिन में बहुत अच्छी मिलेगी। इसके अलावा आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि धन लाभ भी इस समय में काफी अच्छा होगा, क्योंकि प्रोफेशनल जो लाइफ है वो अच्छी होगी तो आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। इसके अलावा घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा इस समय में रहेगी और आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का रहेगा धनु राशि वालों का ये सप्ताह। और हम आपको बता देते हैं सबसे अच्छे जो दिन इसमें रहेंगे आपके 26, 27 और 28, उसके बाद आपके सबसे अच्छे दिन रहेंगे 31 जनवरी और 1 फरवरी का दिन। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना।